अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें भाई, मैं अपने जो प्रोडक्ट्स की वीडियो है ना, किस तरह से एडिट करता हूँ। सिंपल फिल्मोरा में ओपन करता हूँ और इसको जो सेटिंग में रखता हूँ वो 1:1 रखता हूँ, मतलब कि स्क्वेयर फॉर्मेट में रखता हूँ, ताकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह पे रील की सूरत में जाए, यूट्यूब पे शॉर्ट की सूरत में। सिंपल यहाँ से मुझे जो है वीडियो इंपोर्ट करनी होती है, तो वो मैं जो है यहाँ पे गैलरी में वो बनाई हुई है, मैंने अपना एक वो बना दिया है, ये प्रोजेक्ट मतलब वीडियोस है मेरी, जिसमें से लेट सपोज ये वाली एक वीडियो है, इसको मैं उठा के इंपोर्ट करता हूँ। अब ये फॉर्मेट पूछ रहा है, तो मैंने इसी 1080 1080 को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्लिक करके इस पर थोड़ा सा जो है ना इसका साइज स्केल ज़्यादा कर देता हूँ, और स्केल ज़्यादा करने के साथ जो है भाई मैं यहाँ पे अपना लोअर थर्ड लगाना चाहता हूँ। तो ये भाई लोअर थर्ड मेरा आ गया। अब इसको मैंने पकड़ के ना इस वीडियो के ऊपर लगा देना, और इस तरह से मैं अपना लोगो भी लगा सकता हूँ इसके ऊपर। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। इस तरह से आप कोई भी वीडियो अपनी एडिट कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सी ना इसकी प्लेसमेंट सही करनी है, ताकि ख़राब ना हो जाए। और इधर इसका स्केल जो है ना 120 पे रख के चेक करते हैं, अभी भी कम है। इसको मैं थोड़ा मज़ीद ज़्यादा करता हूँ, माउस से कर लूँगा तो ज़रा आसान हो जाएगा, उधर से भी कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद जूम करता हूँ, और ये अच्छा क्वालिटी। अब यहाँ पे मैं इसकी ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। ले लो सामान, ले लो सामान के नाम से करना है इसको मैंने। सामान ऑफिशियल डाउनलोड में सेव करते हैं इसको, ये ओके हो गया। अब जो है हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं डेस्कटॉप फोल्डर में सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ज़रा आसान होता है ना, ढूंढना नहीं पड़ता बंदे को। और यहाँ से फ्रेम रेट इसके 30 करता हूँ, ऑटो लाइट हटा ऑटो हाईलाइट हटा देता हूँ, बाकी ये परफेक्ट है, ये सीधा सीधा जी एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये अब हमारी प्रोडक्ट की वीडियो रेडी है, ये एक्सपोर्ट हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी, डन हो गया, ये वीडियो हमारी बन गया। अब ये चीज़ है कि भाई आपके सिस्टम की जो है ना ग्राफिक कार्ड और इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है ये, तो उसी तरह से इसकी स्पीड जो है ना कम ज़्यादा होती है। और ये 2023 लेटेस्ट वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें बैकग्राउंड भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। ये प्रेफरेंसेस से जो है ना हम सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, ठीक है। अब इसमें देखें ग्राफिक कार्ड लगा है, तो ये इसने ग्राफिक कार्ड पिक कर लिया। अगर आपका ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, बस ये मेन लॉजिक है इसमें, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारा स्टोर है ले लो सामान के नाम से, मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें हम कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये देखें जी वीडियो हमारी डन होगी फाइनल, और अब मैं इसको चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू।